हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं योजो। गाइस, आज हम देखने वाले हैं ज़ूकोसिस नाम के एक अपकमिंग गेम का ट्रेलर और गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, ये है वो गेम ज़ूकोसिस, और ये ना ज़ूनोमली से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। यार खुद देखो कैसा सा पोस्टर है इसका। ऊपर पे जिराफ बना हुआ है, इसकी जीभ है शायद से ना, और दांत कैसे हो रहे हैं भाई। हग्गी वग्गी से भी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं दांत। हग्गी वग्गी तो पहले से एक मॉन्स्टर है, तो यार एज एक्सपेक्टेड उसके दांत होने चाहिए उतने खतरनाक से। बट यार ये तो एक जिराफ है। तो यार ट्रेलर देखने से पहले ना गेम के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। ज़ूकोसिस इज अ स्पाइन चिलिंग बॉडी कैम हॉरर सिमुलेशन गेम वेयर यू प्ले एज अ ज़ूकीपर अबाउट टू स्टार्ट देयर फर्स्ट नाइट शिफ्ट। तो यार ये ना एक बॉडी कैम हॉरर होने वाला है, और हम इस गेम में ना एक ज़ूकीपर होने वाला है, मतलब किसी अजीब से ज़ू में रात वाला चौकीदार। और ये ना हमारी ज़ू में पहली रात होने वाली है। एज यू स्ट्रैप ऑन योर बॉडी कैम एंड गो अबाउट योर राउंड्स, यू नोटिस स्ट्रेंज बिहेवियर्स फ्रॉम सम ऑफ द एनिमल्स इन द एनक्लोजर्स, बिहेवियर्स अनलाइक एनीथिंग यू हैव एवर सीन बिफोर। तो यार हमारी जॉब की पहली नाइट शिफ्ट में रात को हमें ना एनिमल्स के अजीब से बिहेवियर्स दिखाई देंगे उधर पे। अ टेरिफाइंग पैरासाइट इज spreading, mutating some of the animals into grotesque versions of themselves, bloodthirsty and ready to do anything to kill you so they can escape. Okay, so guys, यार इधर पे ना कोई अजीब सा पैरासाइट आ गया है, और वो इधर के एनिमल्स को ना म्यूटेट करके मॉन्स्टर्स बना दे रहा है। ऐसे मॉन्स्टर्स जो हमारे खून के प्यासे हैं, और इधर से बाहर भागने के लिए, जू से भागने के लिए हमें मार भी सकते हैं। You must identify the infected animals and make vaccines to cure them before the parasite spreads out of control and to the wider zoo. Okay, so guys, हमें अपनी नाइट शिफ्ट में ना ऐसे इन्फेक्टेड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है और उन्हें वैक्सीन लगा के हमें सही करना है, ताकि ये पैरासाइट आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। अनरैवल द मिस्ट्रीज ऑफ द ज़ू एंड सेव द एनिमल्स टू सेव योरसेल्फ, एज योर चॉइसेस विल अल्टीमेटली डिटरमाइन योर एंडिंग, विल यू सर्वाइव द नाइट। तो गाइस, शायद से इस पे मल्टीपल एंडिंग्स भी होने वाली है। जिस हिसाब से हमारे डिसीजंस रहेंगे, उस हिसाब से हमारी ना गेम की एंडिंग भी डिफाइंड होगी। ओके, सो ये वो ज़ू होने वाला है, और ये तो नॉर्मल लग रहे हैं भाई, कितने प्यारे से लग रहे हैं, लेकिन कितने रियलिस्टिक से लग रहे हैं भाई। ये हमने अपना कोई कैमरा निकाल दिया, उल्टी क्यों हो रही है इसे भाई। इस पे इन्फेस्टेशन हो गया, वो पैरासाइट ने इसे इन्फेस्ट कर दिया। मकड़ी ऐसा क्यों बन गया, लेकिन ये इतने सारे पैर वाली मकड़ी। और ये शायद से हमें डिवाइस मिलेगी, हम इस डिवाइस से चेक करेंगे कि कौन सा एनिमल इन्फेक्टेड है। ओके, सो यार लास्ट उस जानवर ने हमको पकड़ लिया था ना, उस जिराफ ने। हाँ, ये हमें वो बता रहा है कि हम नाइट ज़ू कीपर हैं, डरने की कोई बात नहीं है, मस्त करके जॉब करो आराम से इधर को। ओ, ये जिराफ ही है, जिराफ की हाथ है। बट ये कोई और एनिमल क्यों नहीं दिखा हमें, जिराफ ही जिराफ दिखा। ये ज़ीब्रा, ज़ीब्रा भी मरा पड़ा है। ये इंसान भी है क्या, और हम इंसान को मार रहे हैं। नहीं भाई, ये तो बड़े क्रूसम सा है भाई। ये पैरासाइट से निकल गया, छिपकली टाइप की आती वो। ओके, यहाँ दूसरे एनिमल्स भी होने आ रहे हैं। मूस, वो मूस था। कैंगरू भी भाई, कैंगरू भी इन्फेक्टेड होगा क्या। नहीं, ओ भाई ये कैंगरू था ना, कैसा डरावना सा हो गया भाई। यार टीजर तो बड़ा मस्त सा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है ना ये बंदा सिर्फ जिराफ वाले सेक्शन के अंदर गया है। ये दरवाजा जो है ना, ये ज़ू का एंट्री का गेट नहीं है, बट ये जिराफ वाले सेक्शन के एंट्री का गेट है। शायद इसको ना कुछ जिराफ्स में दिक्कत दिख रही होगी, या फिर हमें पहले से ही पता है कि इन्फेक्टेड होने वाले एनिमल्स, तो हम शायद से शुरू से ही जाएंगे ये चेकआउट करने के लिए कि कौन सा एनिमल इन्फेक्टेड है या नहीं। यार ये वाला देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है भाई ये। बाकी यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक जिराफ जो है ना, उसकी तबीयत खराब सी हो गई है। अब यार इधर पे देखो, हमने एक इन्फ्रारेड कैमरा रख दिया है, और इस पे ना हमको दिख रहा है कि इस जिराफ की बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। देखो रेड कलर का मतलब होता है उतना ज्यादा टेम्परेचर, और आई गेस ग्रीन का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर। तो इसका ना बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब इसको बुखार आ गया। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा बुखार नहीं है, ये पैरासिटिक बुखार जो अगर तुम्हें आ गया तो भाई मॉन्स्टर बन जाओगे सीधे। इसका जो सर है वो तो बिटर गिगल की तरह खुल गया। ओके, पीठ से कांटे जैसे निकल रहे हैं। बाकी इसके देखो वाले पैर तो नॉर्मल जैसे दिख रहे हैं, और ये इतने सारे ये मकड़ी के जैसे पैर आ गए इसके। कैसा डरावना सा लग रहा है ना। हमारे हाथ में ना एक डिवाइस टाइप की भी है। इस डिवाइस में ना शायद हमको ये दिखता है कि वो मॉन्स्टर जो है वो हमारे कितने पास है। देखो जब इस पे आवाज आने लग जाएगी और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, देखो 3500 समथिंग हर्ट्ज दिख रहा था, तो उस टाइम पे ना हम पे ना वो अटैक कर देगा। इधर पे आया, और वो जो ऊपर गया था मॉन्स्टर वाला जिराफ, ये वो वाला ही है या दूसरा वाला है जिस जिराफ को ये भाई मसार रहा था बढ़िया से, ये वो वाला तो नहीं है। जीभ देख रहे हो उसकी कितनी बड़ी सी हो गई, इसके पैर जितनी बड़ी जीभ हो गई इसकी। ज़ूकोसिस रेस्क्यू द एनिमल्स, ज़ूकोसिस जानवरों को बचाओ। तो ये स्टार्टिंग का सीन है। इस भाई को इस ज़ू में जॉब मिली है,
और वो जॉब है ज़ूकीपर की, जिसकी ड्यूटी रात को शुरू होती है। रात को इसको इस ज़ू में इन एनिमल्स की देखरेख करनी होती है, मतलब ज़ू का रात का चौकीदार है एक तरह से। सो ये इसका ऑफिस वाला एरिया है जिधर पे इसका ऑफिस होगा, सिक्योरिटी ऑफिस। और हमें किसी अननोन कॉलर की कॉल आती है। यार गर्म हो रहा था तो मैंने हेडफोन्स निकाल लिए। मैं कह रहा था कि यार यहाँ पे हमें एक डिवाइस मिली हुई है जिसमें ना हमारी टास्क लिखी हुई है, शायद ये मिशन है जो हमें कंप्लीट करना होगा इधर पे। सो फर्स्ट इसका स्टेप है कलेक्ट एक्सक्रीमेंट्स, मतलब हमें गोबर इकट्ठा करना है इन एनिमल्स का, ताकि हमसे ये चेक कर पाए शायद से कि वो एनिमल इन्फेक्टेड है या नहीं है। दूसरे में एनालाइज द डेटा, सो उसका डेटा हम एनालाइज करेंगे, मेक अ क्योर। फिर तीसरे स्टेप पे हम लोग उसके लिए क्योर बनाएंगे, कोई इलाज ढूंढेंगे। फिर फोर्थ है प्रिपेयर अ मील, फिर हम उसके लिए खाना बनाएंगे, उस खाने में शायद से वो क्योर डालेंगे। फिर फीड द एलिफेंट। ओके सो ये जो स्टेप है ना, ये ना किसी एलिफेंट को चेक करने के लिए होने वाले हैं। सो फोर्थ स्टेप में हम बढ़िया से हाथी के लिए पकवान बनाएंगे जिसमें हम उसका क्योर डालेंगे ताकि वो सही हो जाए। और फिफ्थ स्टेप में हम उसको खिलाएंगे। फिर सिक्स स्टेप में इंजेक्ट अ क्योर। नहीं यार, मैं कहां से कहां सोच लेता हूं चीजें भाई, मील में नहीं डालना है क्योर, क्योर तो इंजेक्शन से ही लगेगा, हाथी को इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा भाई। और सेवंथ स्टेप में रिटर्न टू द हब। ओके, हमने हाथी को सही कर दिया और हम फिर वापस आ जाएंगे अपने हब के पास। सो इस तरह से हमारे मिशन रहने वाले हैं गाइस इस गेम में। ये क्या सीन था यार, जो इंसान वाला सीन था, हम इंसान भी होंगे कि हमारे अलावा कोई यहाँ, उसके अंदर से भी वो निकल रहा है भाई मॉन्स्टर, यही है वो असली पैरासाइट ना गाइस, जिसने इधर पे ये तबाही मचा रखी है, जिसकी वजह से वो बेचारे जानवर इन्फेक्ट हो जा रहे हैं ना, वो मेरे ख्याल से यही होने वाला है। ये लग रहा था भाई डरावना सा। तो अब ये जंप स्केयर मारेगा, इस बंदे को खा जाएगा, लेकिन इसको इस मुंह से खाएगा, इस मुंह से खाएगा, वाला मुंह से खाएगा तो यला मुंह भूखा नहीं रह जाएगा। नहीं नहीं, नीचे वाले मुंह से खाया। पॉज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो, फ्रेम बाय फ्रेम में आगे बढ़ाता हूँ तो खुद देख लोगे, नीचे वाला जो मुंह है ना वो खा रहा है, तो यार ऊपर वाला मुंह तो भूखा रह जाएगा। वो खाली डराने का मुंह है भाई, ये खाली दिखाने का मुंह है, असली मुंह ये नीचे वाला है। बाकी इसकी जो ये वाली इमेज है ना, इस पे ये जिराफ बना हुआ है ना, तो पीछे पे ये कांटे जैसे आ रहे हैं क्या, ये इसके अपने कांटे हैं भाई या रिब केज है ये। चलो गाइस अब चेकआउट करते हैं इसका गेम प्ले ट्रेलर और जरा देखते हैं कि गेम प्ले कैसे होने वाला है इसका। तो गाइस यार ये है वो गेम प्ले ट्रेलर, और इस पे भी ना वही जिराफ वाला जो मॉन्स्टर है ना वो बनना है। इसके नाम नहीं दे रखे गए इन लोगों ने, इस मॉन्स्टर का नाम क्या होने वाला है। ओके, तो भाई बढ़िया से पिज्जा खाने में लगाया, और मेरे ख्याल से वो मकड़ी भाई दिखा रहे हो वहाँ पे दीवार पे, मकड़ी है इतनी सारी मकड़ी है। किसी को और मकड़ी से डर लगता होगा ना, उसकी हालत खराब जाने वाली है गेम देख के। हाँ भाई, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं रहता है, लेकिन भाई जब तू रहता है ना, ऑस्ट्रेलिया की मकड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स होने वाले हैं ये भाई। दो दो, ये तो अटैक कर दिया इसके ऊपर शुरू में ही। तो ये दूसरा बंदा था, फिर अननोन कॉलर का कॉल आ रहा है। Paul Connolly. We'll bring fresh meat soon and wait for notifications. For now, get to work. Okay. And don't mess it up. तो ये लोग इंसान का मीट बेचा करते थे भाई। ये तो मिस्टर पिक जैसे लग रहा है भाई। और एक दिन ऐसी एक इंसान के मीट के पिक से, सॉरी, और ऐसी एक दिन एक इंसान के मीट से निकला वो क्रिएचर जिसने इन्फेक्ट कर दिया उन एनिमल्स को। वेजिटेबल्स लिखा हुआ है तो उसके अंदर मीट ट्रक नहीं यार, ये जानवरों के मीट बेच रहे हैं क्या बेचारे जानवर। ये तो अलग ही लग रहा भाई। और हम ज़ू में चले गए शायद से खाना खिलाने के लिए गोरिल्लास को। वो सिनेमैटिक ट्रेलर में तो बहुत तगड़ा लग रहा था। अच्छी यार, ओके ओके, हाँ यही तो हमने टेस्ट करना है भाई, ये मशीन से हम टेस्ट करेंगे शायद से। पेंगुइन्स भी हैं भाई, पेंगुइन्स कैसी लगेंगे मकड़ी बनी हुई यार। टेम्परेचर इनका ज्यादा हो रहा है, म्यूजिक की तरह सही से लग रहा ना। कैंगरू मॉन्स्टर बनने से पहले मत लड़ो, जिराफ प्यारा सा जिराफ। बट तभी सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ओ भाई, यहाँ से लग रहा है क्या और लेके जाएगा, नहीं ट्रैंकुलाइजर था ये बेहोश करने के लिए उसे। ओ भाई, उस जिराफ ने दूसरी जिराफ को खा दिया। नहीं नहीं नहीं, तो मेडिसिन था भाई, ट्रैंकुलाइजर लिखा था शायद से उसमें। तो यार ये बंदा तो वही होने वाला है जो इस ज़ू का ना नाइट कीपर होने वाला है। बाकी बढ़िया से टीवी में शो देख रहा था मकड़ियों के बारे में, खाना खाते हुए पिज्जा। भाई खाते टाइम कौन देख सकता है भाई ऐसी चीजें, तुम देख सकते हो खाते टाइम पे ऐसी मकड़ियां भाई कितनी सारी दिख रही है भाई, डरावनी सी भाई। सोचो मैं ऐसे गेम खेल रहा हूँ या फिर तुम ऐसे गेम खेल रहे हो और ऊपर से मकड़ियां गिर गई हमारे ऊपर, ऐसी वाली वो भी इतनी सारी, वो कैसा हो जाएगा भाई। मैं तो भाई कमरा छोड़ के भाग जाऊंगा यार। वैसे अब गर्मियों का टाइम आ गया ना गाइस, अब ना यहाँ मकड़ियां आने लग जाती है यार कभी कभी, वो भी ऐसी इतनी खतरनाक तो नहीं होती है बट बड़ी बड़ी होती है भाई, इतनी बड़ी बड़ी तो होती है, इतनी बड़ी। Thank you.
वाली मकड़ी कहाँ गई यार जो यहाँ पे थी? लेकिन पॉल कॉनली हमारा नाम होने वाला गाइस और हम यहाँ के नाइट चौकीदार होने वाले हैं। तो यार सिंपल टास्क्स लिख रखे हैं कि मीट पकाओ, ट्रेन पे ब्रिक्स को रखो, गोरिल्लास के लिए फूड बनाओ, गोरिल्लास को फूड खिलाओ, गोरिल्लास का फीसेस कलेक्ट करो, मतलब गोरिल्लास का शेट कलेक्ट करो, पेंगुइन्स का टेम्परेचर नापो, इंस्पेक्ट द कैंगरू एनक्लोजर, एग्जामिन द जिराफ्स, प्रिपेयर द वैक्सीन। ओके मैं बता रहा हूँ ऐसा होने वाला है ना, ये लोग हैं किलर, मतलब जो बंदा मैं ऊपर से कॉल करके बता रहा है ना कि ऐसा ऐसा करो, ये लोग हैं जो लोगों की सुपारी लेते हैं और लोगों को मारते हैं। अब मान लो गोली से शूट करेंगे तो पुलिस को मिल जाएगी डेड बॉडी और पुलिस करेंगे इन्वेस्टिगेशन, जिसके बाद पता चल जाएगा भाई गोली किसने मारी थी। बट ये लोग ऐसा करते हैं ना, इधर पे ये इंसान को किडनैप करते हैं जिस इंसान की सुपारी मिलती है, उसके बाद उस इंसान को ये लोग इस जू में ले आते हैं और उसे ना इस ग्राइंडर में डाल के ही उसे मार देते हैं भाई। ओके और उसके बाद जो उसका मीट निकलता है, इस मीट को देखो, एक मीट एक पैकेट में ना मीट लिखा हुआ था और एक साइड में ना वेजिटेबल लिखा हुआ था। देखो वेजिटेबल, अब जो जानवर वेजीज खाते हैं उनको वेजिटेबल्स खिला देते होंगे, जो जानवर मीट खाता है उनको मीट खिला देते होंगे। अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग टाइप से हमें खाना पकाना पड़ेगा भाई। ये कन खजूरा है क्या, कान में घुस जाता है और दिमाग खा जाता है उसके बाद। संभल के रहना, इससे डरा नहीं रहा हूँ, सही में बता रहा हूँ भाई। कहीं सर गेम तो इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, म्यूजिक भी बड़ा प्यारा प्यारा आता है स्टार्टिंग में, मिशन भी सही होने वाले हैं इसमें। सो जैसे ये गेम आएगा ना मैं इसको इस चैनल पे खेलूंगा, और अगर तुम नहीं चाहते हो कि वो वीडियो में सो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। बाकी तुम लोग बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है गेम, ज़ूनोमली से ज्यादा बढ़िया लग रहा है या फिर ठीक ठाक है, कमेंट्स में बताना यार गाइस। बाकी आज की वीडियो इतना ही, होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।